पल्लवी का स्टाइल दिखा ना पटी को। छी छी छी, क्या पलौदा निकाल दिया उसका। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस कैसे हैं आप सब? होप बढ़िया हो गए। मैं भी एकदम मस्त हूँ। और मानसी देखो क्या करने की लगी है। आज सुबह का नाश्ता जो है मानसी बना रही है, पराठे बना रही है अचार के साथ। इतनी बड़ी, इतना बड़ा पराठा और क्या छोटा होता है एक कौड़े का मतलब का। सबसे बड़ी रोटी बनाती है घर में ये। इतनी लोई लेती हूँ। ओ इसमें घी देखो कितना सारा निकाल रखा है। वो मैं थोड़ा थोड़ा करके लगाती हूँ। गाइस मैंने पराठा सेका गरम हो रहा है। बताना कैसे सेका है मैंने? चपाती है पूरी। हाँ तो ये तो जला जला के सेक रही है, मैं सेक देती हूँ फटाफट से, है ना? ठीक है। पल्लवी तो नाश्ता कर रही है, पराठा, अचार और ये क्या है, लस्सी, दूध। देखो दूध पी रही है फिर भी मोटी नहीं हो रही है। मतलब मानसी ने नाश्ता बनाया है, पल्लवी खा रही है। अच्छा रोज मिल जाए मजा आ। अच्छा वो भी देसी। सो गाइस अभी सबका नाश्ता तो हो गया है थोड़ी देर पहले, तो अभी देखती हूँ भाई क्या कर रहा है। ये इतनी देर से किचन में ही है, क्या कर रहा है तू? आम खा रहा हूँ। आम खा रहा है? अच्छा तेरे को आम खाने हैं तभी आ रखा है तू किचन में इतनी देर से। सीजन के पहले आम। ये तो अपना आम खाने में बिजी है। और हमारे घर में आज फूफा जी आ रखे हैं, तो बाहर बैठे हैं पापा के साथ में, अभी चलते हैं फूफा जी के पास ना। हाँ 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 हाँ, बहुत धीरे बोलता है। चेपी चेपी ची ची ची, क्या पलौदा निकाल दिया उसका। अरे चेपी है, लग धो ले उसको, तो चिपक गया वो आम। वो तो गया आम लेने, मैं जाती हूँ पापा और फूफा जी के पास। सो गाइस ये बैठे हैं पापा और फूफा जी। फूफा ठीक हो? बुआ क्यों नहीं आई? हमने तो कई बुला ली हो। अच्छा और बुआ ठीक है? पल्लवी का स्टाइल दिखाना, दिखाना। ये शंकर जी प्रकट हो गए रे। अबे सही से दिखा, दिखा ना, दिखा तो। जुड़ा की मोती लगी है। अभी मैं खल भिगोती हूँ गाय के लिए, क्योंकि दोपहर में सानी होनी है उसकी, मतलब उसके चारे में मिक्स करना है उसको। तो ये रखा है खल का कट्टा और फटाफट से भिगो देती हूँ अभी। तो गाइस अभी मैं चाय बना रही हूँ शाम की, गर्मी बहुत हो रही है, क्या करा जाए, चाय के बिना कुछ नहीं हो सकता। चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, लेकिन बनती गर्मी वो भी दिन में दो तीन बार। तो ये हमारे घर में भी दूसरी बार चल रही है, शाम तक पाँच छः बार चाय मिल जाएगी, पाँच नहीं तो तीन चार बार बनी जाएगी। लाली कैसे घास चुगने में लगी, सूखी घास वो भी लाली, ले, 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 लाली। वो चुगने में व्यस्त है।
ये देखो कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं तीनों की तीनों। एक चाबी के पीछे स्कूटी की चाबी फेंक दी, ढूंढने में लगे हैं। घास आ रही है बीच में, मिल गई। सो गाइस, मैं और मेरा भाई जा और एक दोस्त और आई है, वो आगे आगे जा रही भाई के साथ में, तो अभी फटाफट से चलते हैं। वही आई है जिसको शर्म आती है। उधर क्रिकेट मैच चल रहा है, इधर फुटबॉल खेल रहे हैं ये लोग। ये चार पांच बच्चे ही हैं। यहाँ पे मजा नहीं आया, चलो उधर ही घूमेंगे अपना, है ना। मैंने बना दी सबके पैरों की, क्या देखो ये। हेलो गाइस, ये देखो मेरा योगा का एक्सरसाइज। रात में एक्सरसाइज हो रही है इसकी। एक ही हाथ, मानसी को देख के उधर वो लड़का भी कर रहा है, वो खड़ा है, दिख नहीं रहा है, बैठ गया वो। कूद, ये आज वजन कम हो जाएगा सारा। कमर घुमा, ये तू रहने, तू तो वैसे ही पतला। जैसा करो तैसा करो उसके साथ। इससे तो घूमा भी ना जा रहा। सुबह को ना करती है, सुबह को करनी चाहिए तो। ये घटना बिल्कुल टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा घटना ना घुटना। सो गाइस, मानसी तो बाहर अपना योगासन करने में लगी है और मैं अंदर आ गई, लवी भी आ गई, ये आएगी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।